गाइस इतना करने के बाद इस फोटो को हम सेव करेंगे एंड फिर से सेव वाली इमेज को हम लाइटरूम में ऐड करेंगे, फिर आगे की एडिटिंग करेंगे। तो गाइस सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस हमारी फोटो सेव हो चुकी है, ओके पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फाइनली इस फोटो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड हमें आ जाना है बैक होम स्क्रीन पे एंड यहाँ फिर से प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से जो भी हमने फोटो सेव की उस फोटो को फिर से लाइटरूम में ऐड करनी है। तो गाइस यहाँ पर है हमारी फोटो एंड इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस फाइनली हमारा फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, तो चलिए आगे की एडिटिंग करते हैं। Some days there's no one else who loves me like you used to. But some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Are the feelings that we shared are in the past? Your relationships are never meant to last. I'm
me take it back, your heart has still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, cause I'm floating in your orbit.